स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हम मौजूद दिल्ली सेटे गाज़ियाबाद लोनी के अंदर नगर पालिका के समक्ष। हम आपको बता दें कि आज कानूनी जंग का जो आप पूरे देश के अंदर एक चर्चित नाम है, जिनकी मैगजीन और दैनिक अखबार भी कई संस्करण और कई राज्यों के अंदर जो है वो आज तमाम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी के राष्ट्रीय संपादक और राष्ट्रीय पदाधिकारी और यहाँ के कुछ जिम्मेदार साथी जो है मौजूद हैं। और शायद आज आपको इस तमाम संगठन के विषय में और तमाम पत्रिका के विषय में कुछ मेरे बारे में भी जानने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए हम सीधा सवाल करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय संपादक जो यहाँ पर आज गेस्ट हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोनी आगमन पे। थैंक यू। सबसे पहले सर अपने कानूनी जंग के विषय में बताएं कि कानूनी जंग एक यूनिक नाम है, इस नाम के पीछे या इस पत्रिका को निकालने के पीछे, अखबार को निकालने के पीछे क्या सर आपका लक्ष्य था? बस लोगों की आवाज़ उठाना होता है, लोगों की मदद करना होता है, लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के पीछे ये हमने नाम लिया था। और अब लगभग 14 स्टेट में अभी हम हैं और यहाँ पर जो आए हैं फुरकान साहब, यानी आपके पास में हम आए हैं और यहाँ ब्यूरो चीफ का पद आपको देते हैं। आपकी ईमानदारी और बड़ा नाम सुना है आपका, तो जिससे कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो और लोगों को एक नई ऊर्जा मिले, उनकी बात लोगों तक, आम जनता तक पहुँचा सकें आप। मैं अध्यक्ष जी आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। कानूनी जंग के विषय में आपको जब से संपर्क में आप आए हैं, कि क्या आपकी सोच है, क्या आपको लगता है, क्या बदलाव आएंगे लोगों में? सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे बीच श्रीमान नईम चौधरी साहब या लोनी आगमन हुआ है, कानूनी जंग जो अखबार एवं पत्रिका है उसके मुख्य संपादक हैं, हमारे लोनी आगमन पर मैं आप सभी का, पूरी टीम का बहुत ही हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं पत्रकार फुरकान सलमानी जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कानूनी जंग जो पत्रिका एवं अखबार है इसके आप गाज़ियाबाद के ब्यूरो चीफ बनाए गए हैं। अब मैं आता हूं जो आपका टाइटल है, सही मायने में जो आपका ये टाइटल है कानूनी जंग, वास्तव में इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक अखबार की ऐसी आवश्यकता थी जो वास्तव में गरीबों की, मजदूरों की, ज़रूरतमंदों की, लाचारों की, न्याय के हक की, अधिकार की जो लड़ाई और आवाज़ को उठा सके। तो ऐसा एक नाम कानूनी जंग। और ये जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 11-12 राज्यों में ये कानूनी जंग नाम से अखबार चल रहा है। और जो मैं देखता हूँ, जो मैंने सुना है, कई राज्यों में आप जो है गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, ज़रूरतमंदों की आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत ज़रूरी था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ ऐसी एक जंग हो जो वैचारिक जंग हो, एक वैचारिक जंग जिसके माध्यम से अच्छे लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। हमारे बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है हाउस ओनर, ऑफिस ओनर, जिन जो काफ़ी जो है सामाजिक व्यक्ति भी हैं और आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उनका योगदान है, उनके बारे में जाने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना ऑफिस दिया इस तमाम कार्य को करने के लिए, उसके लिए बेहद धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अध्यक्ष जी, वाजी का क्या नाम है? नईम चौधरी जी, आप लोगों का स्वागत है। और जैसे आपने ये बेड़ा उठाया है, बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। एक्चुअली यहाँ पर पहले भी है एक लोकल पेपर, लेकिन उसमें घिसीपिटी खबर आती है, जो पुराने पेपर हैं, जो न्यूज़ पेपर हैं, उनमें ही जो आती है उनमें से देख देख के डालते हैं। लेकिन आपने ये दिखाया और देखते हैं आपका भी, अभी तो शुरुआत है आपकी यहाँ पर। आपकी शुभकामनाएं चाहिए। आपका सहयोग, हमारा सहयोग आपके साथ में रहेगा, ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी कहोगे, जैसे भी, पूरा सहयोग देंगे आपको। लेकिन मुद्दा उठाइए आप जो जरूरी है। देखिए, जब जब देश की इंडियन आर्मी का सपोर्ट मिल जाए तो जाहिर सी बात है कानूनी जंग देश की इंडियन आर्मी, तो मनोबल अपना आप ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर वो तमाम राजनीति भी, आर्मी भी और कानूनी जंग के माध्यम से जो राष्ट्रीय संपादक भी, एक बड़ी लड़ाई जो है सिर्फ महज अपने ही क्षेत्र में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने की लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार इसकी विख्यात बढ़ती जा रही है। तो मेरठ के भी सीनियर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम नवीन मिश्रा, मैं सब एडिटर कानूनी जंग, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़े। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कानूनी जंग का नाम उस ऊंचाइयों पे लेके जाए जिसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए,
इन तमाम चीज़ों को आप दूर तक पहुंचाइए ताकि हमारे मनोबल में और बढ़ोतरी आए और हम और ज़्यादा लोगों का भरपूर मदद कर सकें। बने रहिए कानूनी जंग के साथ।